ठीक है, भाजपा आएगी। कैसे कह रहे हो भाजपा का इसके साथ? हर जगह भाजपा आएगी, भाजपा का माहौल लग रहा है। हाँ, लोग तो कह रहे रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे यार। बतावे देगा मोदी को। खैर, भजनलाल जी के अच्छे मित्र भी है दुर्गा राम जी शर्मा जी है, तो भजनलाल जी की बात वगैरह होती है? मेरा भाई है। बात वगैरह हुई कभी? नहीं हुई नहीं। राज आने के बाद कहीं पावर आयोग ने पावर आयो थोड़ा कॉन्फिडेंस आयो पावर आयो कॉन्फिडेंस और बमण सरक घना नौकरी लागी। अच्छा, नौकरी लगा दी ने भजनलाल जी आते ही? ओ आते लगा दी 48 लगाया है। कितना लगा दिया? 48 अरे अन्ना जो 150 लग गया। 150 ना लगा दी ना? मास्टर लगा। अरे मास्टर लगा दिया, क्या बात है। सेकंड ग्रेड में। दुकान पे कई कस्टमर है, इनके कई मित्र भी बैठते हैं। आपका नाम क्या पड़ता है? पोकरारा। कहाँ से हो? बूढ़ा माला ने। क्या लग रहा है इस बार? इस बार उम्मीद हो गई, उम्मीद आ रहा बैनी बार। अच्छा, कौन सा बूथ पड़ता है? लोको का नाडा लोहार। चौधरी वहाँ? हाँ। अब की बार 35 कॉम एक तरफ है और एक जाटों की कॉम एक तरफ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 37 कॉम उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ हैं। कोई जातिवाद करते हैं उनके लिए तो हो सकता है। ये आपकी राय, आप स्वतंत्रता से दे रहे हो? यस। मैंने कोई आपको दबा थोड़े पड़े? नहीं, मैं आप प्रचार करने नहीं आया हूँ। खैर, मैं पूछने आया हूँ कि लोकसभा चुनाव में क्या प्लानिंग है, क्या विचार है। हेटरा, आपकी तरफ स्वतंत्र हो, आप वोट कट रहे हैं? हमारे वोट साहब रविंद्र भाटी को है। बूथ कौन सा पड़ा? हमारा है रोहिला पूर्व में सोनारंग, मेरी बूथ है। अब की बार सब विष्णु भाटी के साथ कैसे चलेंगे? नहीं, विष्णु की बात नहीं सर, सतीश कौम भाटी के साथ है। भाटी एक युवा नेता है। कैलाश जी के साथ में के साहब है? कैलाश जी के साथ में के साहब है तो अच्छी बात है। प्लानिंग? नहीं, हम तो भाटी को वोट देंगे। गांव में क्या माहौल है? गांव में भी 95% भाटी का है। 10% किस तरह का? 10 कहाँ बचा, 5 ही बचा है। 5% हुआ है वो 10% पूछ ले तो वो तो कांग्रेस को देंगे, पर वो कैलाश जी को नहीं देंगे। लोकसभा में क्या प्लानिंग है? ठीक, मेरे पड़ोसियों की दुकान पे मैं आ ही गया। अब की बार क्या लोकसभा में क्या प्लानिंग है भाई? अभी चल रहा है युवा शक्ति का थोड़ा माहौल ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग ये भी सारे युवा सब यही चाहते हैं कि अभी युवा को युवा ही वोट दे। सब युवा आपके 50 साल के सब युवा है? नहीं, 50 साल के सोच समझ अलग है और हमारी युवाओं की अलग सोच समझ है। चल रहा है अभी, तारीख आई आ रही, नज़दीक आ रही है। कौन कौन जीत तब जाके ये तो देखो अपने अपनी मर्जी हिसाब से वोट। आप कौन जीते हैं? जो सर हमारा बोर्ड तो रविंद्र भाटी का है सर। भाटी की तरफ है? भाटी प्लानिंग पूरी। सोने जी के दुकान है, कई सालों से पास में दुकान है सोने जी के बारे में। सोने जी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो भाई यहाँ है कि देखो बोर्ड तो हमें पार्टी जैसा मिलेगा। अच्छा, पार्टी जैसे मतलब क्या है कि कांग्रेस में भी चौधरी को टिकट दे दिया और बीजेपी में चौधरी को टिकट दे दिया। ठीक है, दोनों जगह टिकट मिल गए तो इसी हिसाब से रविंद्र सिंह जी टक्कर पा गए। जीतेगा कौन? तो बेटा जीतेगा, पर टक्कर तो देखो टक्कर किस किस के? केला जी और रविंद्र जी। उम्मीदवार राम नहीं जीत पाएगा, टक्कर नहीं दे पाएगा। टक्कर तो उम्मीदवार राम जी अभी कांग्रेस में लड़े और अभी कांग्रेस के पीछे निकल के अब कांग्रेस के लिए वापस वोट मांग रहे। अच्छा, तो लोग भी थोड़े बहुत समझते हैं ऐसे पागल। तो फिर पार्टी की तरफ पलटो भारी केला जी की तरफ? बराबर ही रहेगा। अच्छा ठीक, हेटा आप रह गए प्लानिंग? रफ्सा भाटी पूरी मोटिया प्लानिंग पूरी मोटिया रफ्सा भाटी। अच्छा, एक तरफा? हाँ पक्का। आप राजपूतों के हिसाब से को या फिर जाटों को छोड़ के गए? नहीं, जाटों को कुछ छोड़ के, हमारे प्योर बीजेपी है। बीजेपी भी नहीं जी है, केला जी नहीं, प्रचार भी नहीं, वहाँ पर आए भी नहीं है। आ जाएंगे अभी तो? नहीं, अभी तक तो आए नहीं। 5 साल कहाँ थे? 5 साल पहले नहीं आए? नहीं आए। केला जी कोई काम नहीं किया? नहीं काम। बूथ कहाँ पड़ा? राणा सरकला। राणा सरकला गुड़ा माला ने विधानसभा वालों तो दियो पिछली बार, एक बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र दियो है। बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र दियो, केला जी बात करें बाजरा का से? हाँ। वो तो दिया होगा किसने? अच्छा, मोदी जी नहीं आएंगे तो फिर है? मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री तो आएंगे तो रव साहब मोदी है ना, मिनी मोदी है। अच्छा, निर्दलीय है? नहीं, मिनी मोदी है। आप रो क्या प्लानिंग है? हमारे भाटी साहब। भाटी आप रो? हमारे भाटी साहब नाई जी की दुकान है, मैं उन कई लोग यहाँ बैठे हैं, कई जो युवा मोटियार है, मैं पूछूँ आपके बार लोकसभा में क्या प्लानिंग है? प्लान बहुत बढ़िया है। किन्हें वोट देने का विचार है? वोट देखो आपो आपके ध्येय है। हमारा तो देखो रविंद्र सिंह भाटी है। पाड़े में वगैरह? पाड़े में फिलहाल तो रविंद्र सिंह भाटी का ही चर्चा है। बूथ कट पड़ा आपने? मारो बूथ धोरिमना में पंचायत समिति है धोरिमना और अच्छा बूथ है हमारा बूल डारंग बेरी। अच्छा, हमें विष्णु ही हूँ। सब विष्णु भाटी की तरफ कैसे चलेगी? ऐसा कोई नहीं है, सब ऐसा कोई नहीं है, सब बीजेपी में भी है। अच्छा, के विष्णु हमारे बीजेपी में है। अच्छा,
देखो वो तो आपको मैंने कोई दबाव से तो नहीं कर रहा है? नहीं, दबाव किस बात का नहीं है, आप आपकी मर्जी से कह रहे हैं? हम हमारी मर्जी से कह रहे हैं, हमारा वोट है, हम मतदान हमारे लोकतंत्र पे करेंगे। जीतेगा कौन? तो देखो जीतने वाली तो वो तो अभी देखो जनता अनुमान से क्या लगा? अनुमान को अभी फिलहाल तो कोई लगा नहीं सकते अपन, देखो पलड़ा फिलहाल भारी है। देख सर तो नंबर एक भाटी आवे, दो नंबर आवे कैलाश चौधरी। उम्मीदवार दोनों में से एक आएगा दूसरे स्थान पे, प्रथम पे? हाँ, प्रथम में भाटी का माहौल है, तेज भाटी का माहौल तेज है। आपका बूथ कहाँ पड़ता है? हमारा शिवमंदिर में पड़ा, नेडी नाडी शिवमंदिर, वहाँ के बीजेपी की है एक नंबर। विष्णु अबगार बीजेपी छोड़ के आपके भाटी के साथ चले गए? भाटी के साथ। के साहब ने इशारों की या इशारों कहीं नहीं किया के साहब जी, पर लोग भाटी की तरफ, भाटी की तरफ क्या केला जी ने के साहब की मेहनत नहीं की साथ में हो जाए क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन वो क्या मालूम माहौल बनता है, एक माहौल बन गया है बीजेपी के हिसाब से भाटी को देना। हाँ तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा? भाटी वोट बीजेपी को ही देगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, आप नाव के हीरा लाल कहाँ से? क्या लग रहा है इस बार? इस बार कैलाश चौधरी का माहौल है, कैलाश जी का माहौल है। गाड़ी वगैरह लगाई हुई है या फिर वोट देने का भी माहौल है? गाड़ी क्यों लगाए? हम वोट दे रहे हैं, देंगे उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता और अच्छी तरह वोट देंगे। माहौल अच्छा है, हम पूरी व्यस्त कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। बीजेपी की लागे कैलाश वोट है, लोग तो कह रहे मोटे हाथ से रविंद्र सिंह भाटी की तरफ जा रहे हैं। साहब देखो मैं तो सेठ बीजेपी ने देता ही। अच्छा, बीजेपी ने मोदी जी आए पास? हाँ मोदी जी आए, पक्का विश्वास? पक्का विश्वास। लोकसभा में क्या प्लानिंग है? अभी तो माहौल रविंद्र सिंह भाटी का है। अच्छा, भाटी जीतेगा उम्मीद तो ऐसी लग रही है, पर मोदी की सभा होने पर पता चलता है कि क्या माहौल बनता, चेंज भी हो सकता है माहौल। आपका बूथ कौन सा पड़ता है? हमारा बूथ तो बोर्ड तो यही जसलम बाड़ में, जसलम में पड़ता है। अच्छा, भाटी का माहौल ज़्यादा लग रहा है? लग रहा है ज़्यादा। उमेश जी का क्या है? उमेश जी अब भाटी की जीत पे तो उमेश जी सेकंड नंबर रहेंगे, कैलाश थर्ड नंबर रहेगा, और मोदी की सभा के बाद माहौल चेंज हो जाए तो कैलाश निकल भी सकता है। उमेश जी? उमेश जी सेकंड नंबर रह जाएंगे। तो मोदी सरकार है, मोदी जी आए, लोग तो कह रहे भाटी जी आए। भाटी जी तो है अलग बात है, पर इधर तो मोदी सरकार पाड़े में दुकान वाला के भाटी जी आए थे। पर लोग जो अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, वो क्या है कि सेट और धन लोगों की सेट, किसानों को नहीं। नहीं ऐसी बात कोई नहीं है, तो मोदी सरकार होगी तो सबका फायदा होगा। अच्छा, मोदी जी फायदा करें लोग, कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं देश के लिए फायदा है। 10 साल मोदी जी की हो गए, फायदा बहुत किया, फायदा किया है किसानों, सबके लिए फायदा किया है, किसान वर्ग के लिए फायदा किया है, व्यापारी वर्ग के लिए फायदा किया है। व्यापारियों को अगर मैं फायदा बताऊं तो व्यापारियों को पूछो तो क्या फायदा किया? जीएसटी में फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, जीएसटी से फायदा है ये। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। क्या क्या चल रहा है इस बार लोकसभा? वोट दिया नहीं देगा? नहीं देगा, दूंगा ना। पहला वोट है किसकी तरफ, किसकी तरफ जा रहा है वोट? अब देखेंगे जो माहौल होगा उसकी। माहौल क्या है? माहौल क्या, लोग दोस्त क्या कह रहे हैं? दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी का बोल रहे हैं, भाटी का बोल रहे हैं। हाँ। लोग बारवड़े वाले बड़े खतरनाक है, भाटी की तरफ सब चले गए। हाँ सही में वोट भाटी को जाएगा, भाटी को जाएगा सब। हाँ। मोटे यार भाटी की तरफ हम गए। हेटो थोड़ा धक्का होता, हेटो क्या लग रहा है इस बार माहौल में? अब की बार भाटी को बजा दे भाई, भाटी जीत जाए, भयंकर डंके रे छोड़ दो। डर को लग हेट भाजपा में, दिक्कत थोड़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको भाजपा में इसकी विचार कर भाजपा से मिली जुली है। अच्छा, रविंद्र सिंह भाजपा रहे? हाँ भाजपा से। जीतेंगे 100% डंके रे छोड़ दो। कैलाश जी, कैलाश जी जीती? हाँ पक्की बात, पक्की बात। आपका बूथ कहाँ पड़ता? वोट कहाँ? सनावड़ा। सनावड़ा कल मुंडा का तला, सनावड़ा बाड़मेर में। सेठिया जी हुआ करते थे वो यहाँ बैठते थे यहाँ, मुझे आज भी याद है, आज से 20 साल पहले मैंने यहाँ देखा था। उनके यहाँ दूसरी पीढ़ी में है नेताजी। अब की बार सटा क्या विचार है? भाटी को भाटी भाटी जैन है सब जैन भाटी में? पक्का? पक्का। उधर मेरे मौसा जी भी है, लून जी क्या प्लानिंग इस बार? भाटी ने वोट, भाटी ने आओ। मैं गौर सिंह बोल रहा, उम्मीदवार हूं बेड़ा है, थैंक यू। भाटी दा पाऊंगी, भाटी बेड़ा क्या रहा आओ। डरो को की आजादी को? ना आजादी हूं, कोई डर नहीं, देखो एक हो जाओ।